रेडी हो गए हैं उड़ने के लिए। अब नया एक्सपीरियंस है ये रोप वे में जाने के लिए। यहाँ पर भी बहुत बड़ा पाथ है चक्र है और इसको भी ब्राइट कलर से डेकोरेट किया हुआ है और ये जो मंत्र लिखे हैं वो गोल्डन कलर से लिखे हुए हैं। ये रास्ते में आपको छोटी छोटी शॉप्स मिलेगी, जैसे कि ये शॉल वगैरह है। ये बता रहे कि ये शॉल है जो हाथ से बनाते हैं। कुछ लोगों को ये धौलाधार की पहाड़ियों को देख के आइडिया लग गया होगा, आज हम आए हैं धर्मशाला। ये देखिए धौलाधार की पहाड़ियों में भी स्नो पड़ गई है, बहुत ब्यूटीफुल व्यू लग रहा है। और नीचे ये खेती देखिए, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। यहाँ पर ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं। चलिए हम आपको ले चलते हैं धर्मशाला। ये जिस रोड पर हम जा रहे हैं इसे त्रिविंजा मील कहते हैं। यहाँ से धौलाधार रेंज क्लियर दिखाई देती है। आप भी हमारे साथ ये खूबसूरत हसीन वादियों का एंजॉय कीजिए। दिल्ली से धर्मशाला की दूरी 574 किलोमीटर है और चंडीगढ़ से इसकी दूरी 237 किलोमीटर है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं धर्मशाला। आप पीछे देख रहे होंगे मेरे स्नो पड़ी हुई है। यहाँ पर भी बहुत अच्छी विजिट करने की प्लेसेस है तो मैंने सोचा क्यों ना आपको धर्मशाला का टूर कराया जाए। ये हम ठहरे थे होटल धर्मशाला पैराडाइज, ये बहुत अच्छे लोकेशन में है। इस होटल की मेन एंट्रेंस यहाँ पर से है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और इधर रिसेप्शन है, ये रिसेप्शन पे मैडम पायल जी बैठे हैं। हाँ जी पायल जी, आप बता दीजिए यहाँ का टैरिफ क्या है या कहाँ पर है ये। मैम हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं और उनमें आते हैं डीलक्स रूम, सुपर डीलक्स रूम, हाँ जी, लग्जरी सूट है हमारे पास, फैमिली सूट है, एग्जीक्यूटिव सूट है, रेजिडेंशियल सूट है। हमारे पास इतनी कैटेगरीज के और इन सब के प्राइजेस कैटेगरी के हिसाब पे डिसाइड होते हैं और सीजन के हिसाब से। सीजन ऑफ सीजन पे इसका रेट थोड़ा कम रहेगा और सीजन पे इसका रेट जो फुल चार्ज करते हैं वही रहेगा। ओके, तो ये लोकेशन, ये लोकेशन नियर शीला चौक पेट्रोल पंप के पास है। शीला चौक पेट्रोल पंप के पास ऑन रोड है ना। ऑन रोड मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। अब मैं पहुंच गई हूँ लॉबी एरिया में, बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ। ये देखो इन्होंने शिवा की मूर्ति लगाई हुई है और इसे बुद्धा जी की है। ये सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा किया हुआ है, ये देखिए। आप बोर ना हो इसलिए यहाँ पे टीवी भी लगाया हुआ है, अगर कुछ आपने वेटिंग के लिए बैठे हैं तो यहाँ इन्होंने टीवी लगाया हुआ है। ये पेंटिंग्स देख सकते हो यहाँ पे आप। आज हमारा प्रोग्राम बना था धर्मशाला से मैक्लोडगंज जाने का और वो सफ़र हम स्काईवे में करेंगे। हमने इसके बारे में सुना था, आज हम इसमें ही मैक्लोडगंज जाएंगे। आप भी हमारे साथ इस स्काईवे का एंजॉय कीजिए। धर्मशाला में आज हमारा सेकंड डे है, चलिए आपको दिखाते हैं स्काईवे। स्काईवे पे हम चल के मैक्लोडगंज जाएंगे, आप भी एंजॉय किए हमारे साथ। ये देखिए उन्होंने वुडन पे कितना अच्छा लिखा हुआ, धर्मशाला स्काईवे। टिकट की इंफॉर्मेशन वहां से है। ये देखिए इन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया हुआ है। हमने टिकट्स ले लिए, अब चलते हैं। ये पर पर्सन इन्होंने बताया हुआ है, इन्फॉर्मेशन है ये पूरी।
वन साइज है 450। चलिए अब जाने के लिए ऊपर चलते हैं और आपको स्काई वे का एंजॉय करवाते हैं। अब हम पहुंच गए हैं और ये हमें वेट करने को कह रहे हैं क्योंकि अभी इनकी चेकिंग चल रही है। यहाँ पर सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। अच्छा, ट्रॉली की पूरी इंस्पेक्शन होती है। पहले खाली ट्रॉली चलाते हैं, उसके बाद फिर एंट्री करवाते हैं। हम रेडी हो गए हैं उड़ने के लिए। अब नया एक्सपीरियंस है ये रोप वे में जाने के लिए। हाँ चलिए चलते हैं हम रोप वे पे एंजॉय करने के लिए। हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। बड़े सूख कुछ वैसे तो धर्मशाला से मैक्लोडगंज बाय रोड 18 मिनट्स का रास्ता है। रश होने की वजह से काफ़ी जाम लग जाते थे और हमें 40-50 मिनट तो लग ही जाते थे, पर इस हाईवे बनने के कारण ये रास्ता सिर्फ 10 मिनट का है। इसमें आप सफ़र के साथ साथ आप पूरा धर्मशाला ऊपर से देख सकते हो और ऊपर से व्यू देखने का मज़ा ही कुछ और है। इस स्काईवे से आसपास के व्यू देखने का आनंद ही कुछ और है। आज मौसम क्लियर होने की वजह से हम दूर दूर देख पा रहे हैं। वैसे मैक्लोडगंज में एकदम मौसम चेंज होता रहता है, पर आज हम लकी हैं कि आज हमें मौसम क्लियर मिला है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं पूरा धर्मशाला नजर आने लग गया है। ये पीछे आप ब्यूटीफुल व्यू देखिए। अब हम आधे रास्ते में आ गए हैं। यहाँ से रोपवे की तीखी चढ़ाई शुरू हो जाती है। रोपवे लगभग 1.7 किलोमीटर है। ये रोपवे धर्मशाला के बस स्टैंड से स्टार्ट होकर ऊपर दलाई लामा मॉनेस्ट्री तक जाती है। अगर आप धर्मशाला आए हो, आपके पास टाइम कम है और आप मैक्लोडगंज भी देखना चाहते हो, तो ये रोपवे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए।
अब हम पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा ही रास्ता रह गया। हम पहुंचने वाले हैं मैक्लोडगंज, बहुत कम टाइम लगा। बाय रोड होते तो जाम में फंसे होते, स्काईवे के कारण यहाँ आना काफी इजी हो गया है। हमने तो बहुत इंजॉय किया। अब हम पहुंच गए हैं मैक्लोडगंज। आई थिंक आपने भी स्काईवे का एंजॉय किया होगा। अब हम बाहर आ गए। पहला मंदिर चलिए, चलिए हम चलते हैं बुद्धिस्ट टेंपल, आपको दिखाते हैं। यहाँ से मेन एंट्री है, चलिए। ये देखिए यहाँ पर आर्ट का सामान है, तिब्बतन आर्ट्स का। यहाँ पे आर्ट का सामान है, तिब्बतन आर्ट। चलिए अब चलते हैं आगे। ये एंट्रेंस पर से इन्होंने कितने ब्यूटीफुल फ्लैग लगाए हुए हैं। बुद्धिज्म में मैंने ये देखा कि ये ब्राइट कलर बहुत पसंद करते हैं, मोस्टली आपको ब्राइट कलर ही मिलेंगे। मंदिर के बाहर ही साइलेंस का बोर्ड लगाया हुआ है, वैसे भी अंदर प्रेयर चलती रहती है। तो हम आपको अंदर का व्यू दिखा देते हैं। ये देखिए ये अपनी ही विधि से पूजा कर रहे हैं।
इस तरफ ये देखिए बुद्धा जी की मूर्ति है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। और ये नीचे इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। जहाँ जहाँ भी बौद्ध मिनिस्ट्री होगी वहाँ आपको ये प्रार्थना चक्र देखने को मिलेंगे। इनके ऊपर तिब्बती लिपि के मंत्र लिखे होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इन सभी प्रार्थना चक्र को एक तरफ से स्टार्ट करके एंड तक घुमाना होता है और इनको घुमाने से आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। इस मिनिस्ट्री में मुझे सबसे ज़्यादा प्रार्थना चक्र देखने को मिले हैं। ये देखिए इन्होंने कुछ मंदिर में रखा हुआ है, इसकी खुशबू चारों तरफ फैल रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ पर भी बहुत बड़ा प्रार्थना चक्र है और इसको भी ब्राइट कलर से डेकोरेट किया हुआ है और ये जो मंत्र लिखे हैं वो गोल्डन कलर से लिखे हुए हैं। ये रास्ते में आपको छोटी छोटी शॉप्स मिलेगी, जैसे कि ये शॉल वगैरह है। ये बता रहे कि ये शॉल है जो हाथ से बनाते हैं जी। दीदी जी, हाँ जी, कैसे? हाथ ये हैंडमेड है, भेड़ी के ऊन का होता है। ओके, हिमाचली शॉल देखो, ये अपने हाथ के बने हुए। काफी गर्म है, काफी गर्म होते हैं दीदी, ये पहाड़ों में चलता है। ओके, हाँ जी दीदी। तो ऐसे है, इनसे अगर आप लो तो ज्यादा बेटर है की यहाँ लेके। अपना पहाड़ों में है ना, पुराने टाइम से चलता आ रहा है, जो हाथ से बनाते थे पहले बुजुर्ग लोग, यही चलता आ रहा है अपना। ओके, यहाँ से लेके जाते हैं लोग ना। थैंक यू जी, धन्यवाद। ये देखिए इस टाइम यहाँ पर क्रैकर, ये यहाँ पर फेस्टिवल है, ये तिब्बतियन लोसर, लोसर का फेस्टिवल है तो इसलिए यहाँ पर दिवाली है इनकी, तो ये क्रैकर बन रहे हैं। थोड़ा रेस्ट के लिए हम रुके थे तो यहाँ हमने सोचा चाय पी जाए। ये मेन कैफे पॉइंट है, ये मकरौड़गंज मार्केट में ही है कैफे, तो यहाँ पर हर तरह की तिब्बतियन चाय और डिश मिलती है। ये देखिए स्काईवे का ऑफिस, अब यहीं से हम वापस धर्मशाला जाएंगे। अभी हम वेट कर रहे हैं केबल कार की, जब आएगी तो तभी हमें एंट्री करने देंगे अंदर। अब हमारी टर्न आ गई है केबल कार में बैठने की, अब फिर चलते हैं वापस धर्मशाला स्काईवे में। मैकलोडगंज और उसके आसपास और भी कई जगह है घूमने के लिए, जैसे बागचुना टेम्पल और वाटरफॉल। यहाँ पर चर्च भी है, मैकलोडगंज से 3 किलोमीटर की दूरी पर डल लेक भी है, यहाँ पर भी आप घूमने जा सकते हो। ये देखिए जाते जाते भी आपको ये पूरा धर्मशाला का व्यू दिखा रहे हैं। और वो सामने देखिए आपको शायद नज़र आ रहा है, ये स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम। अब हमें टाइम मिलता तो ये भी आपको दिखाएंगे।
अब हम वापस पहुंच गए हैं धर्मशाला। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा स्काई वे का। अगर आपको भी यहाँ आने का मौका मिलता है तो इस स्काई वे का एक्सपीरियंस ज़रूर करना। इसी धर्मशाला स्काई वे के साथ आज का मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।